अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, मैं हूँ गुड़िया काशिफ और आज मैं बना रही हूँ आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन शैशलिक और एग फ्राइड राइस। लेकिन एग फ्राइड राइस में क्या है कि सिर्फ एग डालते हैं रेस्टोरेंट वाले, लेकिन मैं इसमें साथ थोड़ा सा अपना भी टच दूंगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं, हम अपनी दोनों डिशेस बनाते हैं, एग फ्राइड राइस विद शैशलिक। जी तो व्यूवर्स, ये देखें, अब मैंने ना ये चिकन काटा हुआ है, ये तकरीबन 500 ग्राम्स चिकन था और ये थाइस के तमाम क्यूब्स हैं और इनको अब मैं मैरिनेट कर लूँगी। मैरिनेट कम से कम जो है ना, आपने कोई भी चाइनीज़ चीज़ बनानी है ना, तो मैरिनेट जो है ना आपने आधा पौना घंटा तो लाजमी करना है, और अगर फुल नाइट हो तो फिर तो क्या ही बात है। तो मैंने ना इसमें 2 टेबल स्पून जो हैं वो चिली सॉस के ऐड किए हैं, 3 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस के ऐड करूँगी और 2 टेबल स्पून मैं इसमें सिरके के ऐड करूँगी। और इससे जो है हमारा चिकन जो है ना, ये बहुत नरम हो जाएगा, सॉफ्ट सा हो जाएगा और जूसी भी हो जाएगा। तो साथ इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ जी 1/2 टी स्पून जो है इसमें दड़ा मिर्च ऐड कर रही हूँ और 1/2 टी स्पून ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तो इसको अब मैं जो है अच्छे से हिला लूँगी। और एक मैंने लहसुन का जवा लिया है और उसको जो है ना उसको क्रश करके तो मैं इसमें डाल लूँगी। इसकी बड़ी अच्छी सी जो है ना वो अरोमा आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है चीज़ में। और चाइनीज़ चीज़ों में तो आपको पता है लहसुन जो है वो सबसे पहले है और ये लाजमी यूज़ होता है, क्योंकि चाइना के लोग कुछ इसे ज़्यादा ही पसंद करते हैं। तो ये जी लहसुन का एक बड़ा सा जवा था जिसको मैंने ना वो क्रश करके इसमें ऐड कर दिया और इसको मैं अच्छे से हिला लूँगी। तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने कम से कम इसको कोई आधा पौना घंटा रखा था, इससे ज़्यादा नहीं मैंने रखा। तो अब जो है मैं थोड़ा सा 2 टेबल स्पून मैं ना इसमें घी के ऐड करूँगी। मैंने घी की, अगर आप लोग ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल के आप 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, 3 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, 2 नहीं। थोड़ा सा इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था, यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको थोड़ा सा मैंने सोते किया। सोते करने के बाद जो चिकन था ना मैरिनेटेड, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। चिकन को मैं थोड़ा सा हिलाऊँगी जलाऊँगी, और जब चिकन का थोड़ा सा कलर जो है ना वो वाइट वाइट हो जाएगा ना, तो मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे जो है ढक दूंगी, इसीलिए कि ये अपना पानी छोड़ दे चिकन। और चिकन अपना पानी में ही गल गया था तकरीबन। तो ये देखें जी, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी बाद में और ऐड किया था, उसकी वीडियो नहीं मैं बना सकी। तो ये आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें। तो ना साथ मैंने इसमें अब टोमेटो प्यूरी डाली है। टोमेटो प्यूरी की तकरीबन कम से कम एक प्याली आपने भर के डालनी है, क्योंकि जो असल टेस्ट है ना वो टोमेटो प्यूरी ने ही लाना है। केचप हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा बस मैं इसको हिला लूँगी और उसके बाद जो है ना 4 टेबल स्पून मैं इसमें, कोई भी आप अच्छे ब्रांड की केचप ले लें वो इसमें 4 टेबल स्पून ऐड कर लें, इससे ज़्यादा आपने नहीं ऐड करने। और साथ थोड़ी सी ना हम लोग जो है ना, मैंने पानी ऐड किया ताकि ये थोड़ा सा ना जो ग्रेवी है ना पतली हो। और साथ ही जो है ना मेरी चाय बन रही थी, क्योंकि चाय की मुझे काफ़ी क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने ना अली से बोला कि चाय बना ला फटाफट, मैं ना चाय पीते पीते काम कर लूँ, चाय के बगैर बस क्या करूँ, मुझसे काम नहीं होता। और थोड़ी सी मैंने इसमें चिली सॉस ऐड की है 2 टेबल स्पून, अगर आप वैसे इसमें हॉट सॉस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसमें चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, पानी आप अपने लिहाज से कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा कि कितना इसमें आपने ऐड करना है, कितनी ग्रेवी बनानी है। और मुझे नमक थोड़ा कम लगा था तो मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है। साथ में मैं इसमें दड़ा मिर्च 1/2 टी स्पून ऐड करूँगी, तो उससे ना बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। और साथ मैंने ना रेड कलर ऐड किया, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में ना ये जो चिकन शैशलिक होती है ना, जो राइस के ऊपर डली हुई होती है, काफ़ी उसका रेड कलर होता है, टोमेटो रेड कलर होता है जो बहुत ज़्यादा लाल। तो इसीलिए ना मैंने इसमें थोड़ा सा रेड कलर ऐड किया है कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ना इसकी लुक आए। अब मैं इसमें क्यूब्स की जो है ना अनियन क्यूब्स डाल दूंगी, और साथ मैंने इसमें जो है ना शिमला मिर्च के क्यूब्स ऐड कर दिए, थोड़ा सा
सा पानी मैंने और डाला, क्योंकि मुझे ग्रेवी जो है ना ज़रा कम लग रही थी, तो उसके लिहाज से ही ना मैं इसका सारा टेस्ट डिवेलप करूँगी, एक बार इसको सारा देख लूँगी। उसके बाद जो है ना मैंने इसमें थोड़ा सा पानी में एक चम्मच कॉर्नफ्लोर का ऐड करके इसमें डाल दिया था, वो वीडियो में नहीं आ सका, वो वीडियो जो है ना मेरी डिलीट हो गई, तो इसीलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ। नमक मुझे थोड़ा सा और कम लगा था, तो नमक जो है ना मैंने इसमें और ऐड कर दिया। 2 टेबलस्पून्स मैंने इसमें सोया सॉस के ऐड किए हैं। तो जी हमारी शैशलिक जो है ना बिल्कुल तैयार हो गई है। रेड कलर भी मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है, क्योंकि मैं चाह रही थी ज़रा रेड कलर थोड़ा सा और हो जाए, मेरा वास्ते चले तो मैं होर पा देंदी, पर इन्ना ही बहुत है। तो अच्छा जी, अब इसको हमने ढक दिया। मैंने आपको बताया मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड किया था बाद में ग्रेवी को थिक करने के लिए, वो मुझसे वीडियो नहीं बन डिलीट होगी, तो इसलिए वो जो है ना नहीं हो सका उसमें। उसको बस कॉर्नफ्लोर डाल के ना, तो आपने 5 मिनट का दम देना और हमारी शैशलिक तैयार है। तो दूसरी तरफ जी, अब मैं सादे से बस चावल बना रही थी, तो जी अब ये देखें मैंने ना इसमें 1 टीस्पून जो है ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट पहले डाला था ऑयल में, और उसके बाद जो है ना मैंने इसमें प्याज 2 अदद ऐड कर दिए, उनको थोड़ा सा सोते किया, और साथ मैंने इसमें कैरेट्स डाल दी। आपकी मर्ज़ी है कि आप राइस जो है बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं ज़ीरे वाले, चाहे आप उसमें वो एग्स जो हैं फ्राई करके एग फ्राइड राइस बना लें। तो मेरे पास सब्ज़ियाँ थी तो मैंने इसलिए कैरेट्स भी इसमें ऐड की हैं, और शिमला मिर्चें भी ऐड की हैं, और ग्रीन प्याज भी इसमें ऐड किया। तो साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर दी, और साथ मेरे पास थोड़ा सा ग्रीन प्याज पड़ा हुआ था तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इनको बस मैंने 1-2 दफ़ा हलाना है, ज़्यादा नहीं हलाना, क्योंकि चाइनीज़ चीज़ों में ना चीज़ें जो है ना जो सब्जियां वगैरह बस खड़ी खड़ी रहती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ना मुरझाना नहीं है। तो साथ मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस के ऐड किए हैं, 2 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस के ऐड किए हैं। मेरी टंग जो है ना वो बार बार स्लिप हो रही है, आज पता नहीं वॉइस ओवर करते हुए क्या काम हो रहा है मुझसे। तो जी इसमें ना 1 टेबलस्पून मैंने जो है वो ऐड किया है सॉल्ट का, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्च का ऐड किया है, और ये 2 गिलास चावलों के थे जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये मैंने उबाल लिए थे, चाइनीज़ चावल जब भी बनाएं उसमें कनी नहीं रखते बिल्कुल भी, उसको फुल बॉयल्ड करके बस 1-2 मिनट का दम भी आप देना चाहें तो दे दें, नहीं तो रेस्टोरेंट्स में वो भी नहीं देते, ठीक है। तो इसको मैं अब अच्छे से हला लूँगी। यहाँ से मैंने फॉरवर्ड कर दिया था क्योंकि वीडियो फिर ऐसे काफ़ी लंबी बन जानी थी हलाते हुए, नीचे की सारी सब्जियाँ मैंने वो धेड़ करके ऊपर की तरफ लाई राइस के, तो ये हमारे राइस जो है ना अच्छे से हिल गए। और राइस उबालते वक्त जो है ना मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया था, और साइड पर हमारे एग्स भी बॉयल्ड हो रहे हैं वो एंड पे हम लोग डालेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर ज़्यादा रंग ऐड किया था, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डालें, अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो ना डालें। मुझे वाइट वाइट से लग रहे थे राइस, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ना ज़रदा कलर ऐड कर दिया, पानी में या दूध में डाल के नहीं, ऐसे ही मैंने पाउडर ही थोड़ा सा बस ऊपर डाल दिया था कि कहीं कहीं कलर आए, बस बहुत ज़्यादा ज़रदा कलर ना आए। तो ये देखिए जी, अब बस मैंने इसको ऑलमोस्ट 1-2 मिनट का दम दिया होगा, क्योंकि दम देने की ज़रूरत ही नहीं थी, ज़रा मैंने कहा वो सारा ना स्पाइसेस का अरोमा वगैरह जो है एक दूसरे में मिक्स हो जाए राइस में। तो अब जी गार्निशिंग की हमारी बारी आ गई है, ये हॉट पॉट में मैं डाल रही हूँ, हॉट पॉट नहीं आप कह सकते, हॉट पॉट टाइप है, लेकिन बड़ा अच्छे से ना ये मुझे बाज़ार में मिले थे, बड़े सस्ते मिले थे, तो मैंने ख़रीद लिए कि चलो गार्निशिंग वगैरह के लिए ना बड़े अच्छे रहते हैं ये, ऐसे जो पॉट्स होते हैं ना बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये अब मैंने इसमें जी राइस डाल लिए हैं, और थोड़ा सा मैं ऊपर कलर वाले राइस भी डाल दूँगी, बड़े प्यारे लगते हैं, हालाँकि नज़र तो आने नहीं, उत्ते शैशलिक पाई जानी है। तो जी अब इसमें मैं साथ ही शैशलिक इसके ऊपर डाल दूँगी, और ओए होए बड़े ही मज़े के बने थे, यकीन करें कि मशहूर रेस्टोरेंट है, हमने वहाँ पे खाए थे, और मेरे हस्बैंड ने जब खाए ना तो बस उनका रिव्यू मैं आपको दिखाना भूल गई, वो कह रहे थे 19-20 का बस फ़र्क है, मैं कहा अगली बारी जो बनावांगी ना 19-20 का भी फ़र्क नहीं रहेगा। तो अब ये देखें जी, ऊपर मैंने जो है ना शैशलिक इसके डाल दिया, और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरे मुँह में फिर से पानी आ रहा है।
तो जी साथ ही ना अब गार्निशिंग जो है ना वो तो बहुत ज़रूरी है, और माहौल चेंज हो जाता है ज़रा बंदे को ना डिश की हालत देख के ना, ते दिल बाग बाग हो जाता है गार्निशिंग देख के। तो वो ज़रूरी किया कीजिए अपना, थोड़ा सा हमें भी अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए। तो ये एग्स जो है ना मैंने बीच में नहीं डाले थे चावलों के, तो मैंने ऊपर गार्निश कर दिए, तो वो भी ज़ाहरी बात है साथ ही हम लोग खाएंगे। तो जो है साथ मैंने क्यूकम्बर्स जो हैं वो जुलियन कटिंग में काटे हुए थे वो मैंने इसके ऊपर रख दिए। अभी मैं और भी बहुत कुछ करना चाह रही थी, सैलड के जो पत्ते होते हैं सैलड लीव्स होते हैं वो भी मैंने रखने थे, लेकिन वो मुझे ताज़े मिल नहीं सके तो फिर मैंने इसीलिए ना वो नहीं रखे। तो ये देखिए जी आज हमारे एग फ्राइड राइस विद शैशलिक, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मुझे पूरा पक्का यकीन है मेरे वाले तरीके से आप लोग बनाएंगे ना, एक भी आप स्टेप मिस नहीं करेंगे। तो यकीन करें इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। और इसके साथ ही अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।